नंदन तू केसरी नंदन। देख हनुमंत सिंह, कल जो प्रतियोगिता में हुआ ना, उसके बाद महाराज थारे से कतई विश्वास हट गया। भाई मैं धनवा की कुश्ती एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते थारे से ये भारत केसरी खिताब वापस ले रहा हूं। और थारे को कुश्ती एसोसिएशन से भी सस्पेंड करता हूं। गेरा नोटिस, ध्यान से पढ़ लो इसको। ले पकड़। और ये रहा दूसरा नोटिस। थारे इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से थारे इस अखाड़े को बैन किया जाता है। और कुश्ती एसोसिएशन के कानून के मुताबिक थारे इस अखाड़े को हमेशा के लिए बंद किया जाता है। भाई साहब, हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा ना किया। शक्ति सिंह जी, मैं क्या हाथ जोड़ता हूँ, ऐसी सजा ना दीजिए, हमारा खड़ा बंद मत कीजिए। सकते हैं छोरे, फैसला हो चुका है, अब ना बदलेगा, छोड़ जा, जा रे। अरे अखाड़े को बंद करो जल्दी, देखो एक भी जगह जो है ना मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए।
केसरी, ये सब मारी वजह से हुआ है, मैं ही जिम्मेदार हूँ इस सब की। अरे आओ जल्दी करो, पता नहीं चलना चाहिए कि अखाड़ा था, बंद करो अच्छे से। मुझसे बहुत सी गलतियां हुई है बजरंग बली, ये गलतियों की सजा मेरा घर, मेरा परिवार अखाड़ा भुगत रहा है। पर आप कुछ कर सकते हैं ना, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? अरे करो, ध्यान से करो। अरे छोरी, मन ने कोई मजा ना आ रहा है ये सब करके। अब तुमने गलती की है सो की है, अब तू तो नाबालिग से ना, बालिक होती तो पंचायत का सामना करना पड़ता, सजा भी मिलती। पर अब थारी गलती की सजा थारे बापू साह को भुगतनी पड़ेगी। अब गलती और गुनाह की सजा तो मिलकर रहती है, समझी? शक्ति सिंह जी, ऐसी सजा मत दीजिए प्लीज। बे माधुरी, नौटंकी बंद करा दी, जिससे ना देखा जाए वो भीतर चला जाए या फिर घर के बाहर चला जाए। हुकुम सा बहुत सारे इनाम मिले, लेकिन इसमें भारत केसरी का इनाम मिला ही नहीं। बापू सा,